मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, लिखित परीक्षा की आंसर की आप कहां से देख सकते हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है और नई भर्ती कब तक आ सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो पूरा देखिए, जिससे आपके भी कई डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। देखिए, सबसे पहले राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अभी आयोजित किया था राजस्थान पुलिस ने, उसका रिजल्ट के लिए आंसर की जारी कर दी है। तो आप सबसे पहले राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाके अपनी आंसर की चेक कर सकते हो। पूरी उसके अंदर गाइडलाइन दी हुई है, पूरी गाइडेंस उसमें दी हुई है कि किस तरह से आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उसके लिए अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने का जो समय है वो 27 तारीख से 29 तारीख तक का है, सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया है। इस समय के अंदर आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आपत्ति दर्ज करा सकते हो, और उसके बाद जितनी आपत्तियां दर्ज होंगी उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखिए आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जिस तरह से हमने देखा था कि राजस्थान पुलिस का जो CBT हुआ था, ये 2 दिन के अंदर 4 पारियों में आयोजित किया गया था, और हर एक पारी का जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी टफ रहा है, जिसमें रीजनिंग की जगह मैथ्स, इसके अलावा कंप्यूटर के काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, करंट GK बहुत पुराना था, इस तरह से कई चीज़ें इस तरह की रही जिससे तैयारी करने वाले बच्चों में भी काफ़ी अंतर आ गया। बहुत से बच्चों ने स्कोर ज़्यादा करने के लिए क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा अटेंड कर ली, नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। जो फीडबैक बच्चों का आ रहा है, बता रहे हैं बच्चे, उसके अनुसार बहुत नेगेटिव मार्किंग में मैक्सिमम बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो आप प्लान कर रहे थे कि इतने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और जब क्वेश्चन गलत होता है तो वो खुद तो कम होता ही है, वो जो स्कोर आपका था वो तो कम होगा ही, साथ में नेगेटिव की वजह से और नुकसान होता है। तो इस तरह से कट ऑफ काफ़ी कम रह सकती है। इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है वो राजस्थान पुलिस के अंदर बेटा आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इसकी कट ऑफ निकलती है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग रहती है, उसमें मेल, फीमेल, SC, ST, OBC, EWS, इसके बाद एक्स सर्विसमैन, ये सब रिजर्वेशन मिलाने के बाद जो सीटें होती हैं वो संख्या में बहुत कम होती हैं। सबसे पहले रिटर्न के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स आने अनिवार्य हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है कि 40% मार्क्स होने चाहिए जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए, SC और ST कैटेगरी के लिए 36% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, और अगर सीटें खाली रहती हैं तो 30% भी रखा जा सकता है। अर्थात जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए कम से कम 60 क्वेश्चन आपके बच्चे रहने चाहिए नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद। अगर 60 से कम है तो आप पूरी तरह बाहर हो चुके हैं, आपको रिजल्ट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से SC और ST कैटेगरी के लिए 36%, अर्थात 36 और 18, तो अगर 54 नंबर अगर आपके आते हैं कम से कम, तो आप इसके लिए आगे रिजल्ट में शामिल किए जाएंगे। अगर नेगेटिव की वजह से उससे कम मार्क्स आपके बच रहे हैं तो आप अपने आप को बाहर मान सकते हैं। इसके बाद जो कट ऑफ का आइडिया है, पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उतने नंबर पर भी किसी ज़िले में सिलेक्शन हो सकता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है किसी ज़िले के अंदर। पिछली बार के 2-3 भर्तियों के रिजल्ट्स के अंदर जो रिजर्वेशन का बंटवारा किया जाता है, जो सीटों का बंटवारा किया जाता है, उनमें जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को काफ़ी नुकसान हुआ है, और बहुत अच्छे मार्क्स रिटर्न में होने के बाद भी काफ़ी बच्चों को निराश होना पड़ा था। तो इस बार भी हो सकता है कि इसी तरह से हो, और इस बार तो वैकेंसी भी कम है। पिछली बार लगभग 4500 वैकेंसियां थी और इस बार 3500 वैकेंसी है, तो उससे भी कम वैकेंसी है।
तो मेरी सलाह में जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो नहीं जाता है तब तक आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और निराश भी नहीं होना है, क्योंकि कोई पता नहीं है किसी जिले की कट ऑफ के बारे में, कोई अंदाजा नहीं है, आश्चर्यजनक कट ऑफ रहने वाली है। और आप याद करेंगे मुझे उस दिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा, जब फाइनल मेरिट आएगी, उस दिन ये बात आपको पता चलेगी कि मेरी बात में कितना दम था। अब इसके बाद में देखिए कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो 3 दिन का टाइम अभी दिया गया है आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का। आपत्ति दर्ज कराने के बाद उनकी जांच की जाएगी, कितनी आपत्तियां आएंगी और उनको किस तरह से जांचा जाएगा, मैनुअली जांचा जाएगा, कंप्यूटर से जांचा जाएगा, या उनको कितना दिन के अंदर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और कैसे उनका समाधान होगा, ये लगभग 10-15 दिन का टाइम और हो सकता है। क्योंकि देखिए 13 और 14 को एग्जाम हुआ था, लगभग 10-15 दिन का टाइम लग गया। ये टाइम लगता ही है प्रोसेस के अंदर, वैसे ही अभी भी 10-15 दिन का टाइम प्रोसेस में और लग सकता है। उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय विशेष योग्यता के जो मार्क्स हैं वो आपके काउंट होंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और वो एक गुना बच्चों की आती है। जितनी वैकेंसी होती है उतने ही बच्चों की एक लिस्ट आएगी, उनका मेडिकल कराया जाएगा और लगभग वो सारे बच्चे मेडिकल में पास होते हैं और ज्वाइन करते हैं। अब इसके बाद नई भर्ती कब तक आ सकती है, तो देखिए नई भर्ती के लिए सबसे पहले हमने देख लिया कि पिछली भर्ती के अंदर सीईटी लागू कर दिया गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। आरएसी की जो योग्यता है उसको 10वीं की बजाय 12वीं करने पर विचार किया जा रहा है, तो वो भी इस बार से सीईटी में शामिल हो सकती है। और सीईटी के लिए एग्जाम का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, 23 अक्टूबर से सीईटी 10+2 लेवल का एग्जाम होगा। सीईटी का रिजल्ट लगभग 1.5-2 महीने में आ सकता है, यानी कि दिसंबर के बाद कभी भी आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और जो बच्चे सीईटी का एग्जाम पास करेंगे वो ही सिर्फ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें देखिए सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम डेट वो 23 अक्टूबर से फिक्स है और उसके लिए आपको तैयारी करने में 3-4 महीने का टाइम लगभग लगता है। तो आप अपनी तैयारी प्लान कर लीजिए, सबसे पहले सीईटी में अच्छा स्कोर करिए। उसके बाद अगर मैं पिछली भर्ती की प्रक्रिया की बात करूं तो सबसे पहले जो स्कोर सीईटी में किया गया था बच्चों के द्वारा, उसमें से 15 गुना बच्चों को सिर्फ कॉल किया गया फिजिकल के लिए, बाकी बच्चों की पूरी मेहनत बेकार हो गई जो काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। वैकेंसी आते ही जब सीईटी के स्कोर से आवेदन किया गया तो काफी बच्चे तो उसी समय बाहर हो गए जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया था, या तो आवेदन नहीं किया था या जिनके 40% मार्क्स नहीं थे, वो बच्चे तो आवेदन ही नहीं कर पाए। उसके बाद जितने बच्चों ने आवेदन किया उसमें से मेरिट के अनुसार 15 गुना बच्चों को ही फिजिकल के लिए कॉल किया गया और बहुत से बच्चे बेटा फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। सिर्फ 5 किलोमीटर की दौड़ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, ध्यान दीजिए आप भी, आपका वेट ज्यादा है, एज ज्यादा है और आपकी प्रैक्टिस नहीं है, फिजिकल के नाम से डर लगता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है पुलिस में बनने का, कोई फायदा नहीं है वर्दी की जॉब की तैयारी करने का, आप दूसरी तैयारी की तरफ जुड़ जाइए। अगर कांस्टेबल बनने का सपना है तो पहले फिजिकल करवाया जा रहा है, पिछली बार से इस बार भी पहले फिजिकल करवाया जा सकता है और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है और जो सीईटी का सिलेबस है लगभग सेम सा ही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वही राजस्थान जीके है, वही रीजनिंग है, वही मैथ्स है, वही हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, दोनों में लगभग वही सिलेबस है। तो सीईटी की तैयारी पे जुड़ जाइए, अच्छे से तैयारी करिए जिससे आप राजस्थान पुलिस में फाइनली सेलेक्ट हो पाएं। और इस बार वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है क्योंकि पिछली भर्ती काफ़ी डिले हो चुकी है, काफ़ी लेट हो चुकी है, जो नई भर्ती है उसमें ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रखा जा सकता। ये वैकेंसी ऑलरेडी विधानसभा चुनाव की वजह से, लोकसभा चुनाव की वजह से 1 साल डिले हो चुकी है और उससे भी पहले सीईटी की वजह से 6 महीने डिले हुई थी, तो लगभग 1.5 साल डिले चल रही है राजस्थान पुलिस के अंदर, जो जवानों की काफ़ी कमी है अभी और इस कमी को ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये भरनी अनिवार्य है। तो बहुत जल्दी सीईटी का रिजल्ट आते ही कांस्टेबल की वैकेंसी मिलेगी, तो आप भी तैयार हो जाइए और फिजिकल और रिटन एग्जाम दोनों की तैयारी का एक साथ प्लान करिए। रिम डिफेंस एकेडमी के अंदर दोनों तैयारी एक साथ होती है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है और
ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हो अगर जयपुर आने का खर्चा नहीं वहन कर सकते। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी, और एप्लीकेशन के ऊपर मामूली से शुल्क में आप अपनी रिटर्न एग्जाम की शानदार तैयारी कर सकते हैं। और इससे संबंधित अगर और कोई भी आपका डाउट है तो ये जो नंबर एक एकेडमी का आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एडमिशन से संबंधित जानकारी ले सकते हो। नए बैचेज लगातार चलते रहते हैं, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सब के अंदर डिफेंस की सारी तैयारी एक साथ चलती है। रिटर्न फिजिकल इंटरव्यू, आप भी अपना सपना डिफेंस में जाने का पूरा कर सकते हैं। और याद रखना बेटा, डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया अपना रास्ता देखकर, मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। अगर आपके अंदर भी वो जज्बा है, वो जुनून है, वो हौसला है वर्दी का, तो फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और एक सीट डिफेंस में कहीं भी अपनी पक्की करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।